वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट टू जैसे हमले की साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने कार में रखे करीब 40 किलो विस्फोटक को बरामद किया और धमाका कर सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया। पुलिस के मुताबिक जैश ने हमले की साजिश रची थी और उसके निशाने पर सुरक्षा बल थे। इस साजिश में जैश आतंकी वलीद का नाम सामने आ रहा है। वलीद आईईडी बनाने में एक्सपर्ट है और शक है कि उसने ही हमले के लिए आईईडी बनाया था। वलीद कुलगाम में एनकाउंटर के वक्त फरार हो गया था। अब सुरक्षा बलों ने वलीद की तलाश में अपनी जांच तेज कर दी है। गांव एनकाउंटर के वक्त वलीद नाम का यह आतंकी फरार हो गया था और इसकी स्पेशलाइजेशन है आईईडी बनाने में, और जांच एजेंसियों को यह शक है कि जो ये वारदात हुई है पुलवामा में, इसके पीछे वलीद नाम के ही इसी आतंकवादी का हाथ है। सफेद रंग की ये कार जिसमें सेंट्रो कार जिसमें आईईडी भरा था, 45 किलो से भी ज्यादा का ये आईईडी था, जिस बात की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई। इसे सुनियोजित तरीके से कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट कर नष्ट किया गया। ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत गंभीर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तरह से हमला होने वाला है? बिल्कुल उसी तरह पर था, और मिलिट्री में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे। सेंसेशनल, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीने में जैश मोहम्मद का कमांडर कारिया सिंह मारा गया, एचएम का रियादत मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिप्ला मार गया। ये लोग भी प्रेशर में है कि, और ये लोग जो नए लीडरशिप इनके हैं, ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेटिव पे कि मिलिट्रेंट का अपहरण है जो हम लोग नहीं होने देंगे। तो किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी? लग रहा है कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव इसमें जमा किया गया था। बिल्कुल, इस टाइप का तैयारी करने में कम से कम 1 से 2 महीने टाइम लगता है, और हम लोग को पिछले 2 महीने से काफी खबर आ रहा है कि ऐसा हादसा करने वाला है। चंगे बदर के दिन हम लोग काफी टेंशन में थे कि ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर ले रहे थे, ऑपरेशन भी बहुत तेजी चला दिए थे, कॉर्डन शॉट चल रहा था, तो उस टाइम नहीं कर पाया था। किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज किया गया? जैसा भी लोग शेयर कर चुके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कितना नाइट्रेट यूज किया गया इसमें, कितना मात्रा में किया गया? और करीब 40 से 45 केजी है। तो लगभग उतना ही जितना पुलवामा के ब्लास्ट में हुआ। जी बिल्कुल, उसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट। तो किस तरीके से आप चैलेंज चुनौती देख रहे हैं कि जैसे कार बम ब्लास्ट को प्लानिंग किया जा रहा है? देखिए, इसमें हम लोग ह्यूमन इंट प्लस टेक्निकल इंट दोनों के हेल्प से हम लोग खबर को जनरेट करते हैं। इसमें जेएन की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, खास कर इन जनरेशन में, और जो इनिशिएटिव लेती है ऑपरेशन लॉन्च करने में, चाहे प्रिवेंटिव ऑपरेशन हो या तो हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, इसमें जेएन की पुलिस का बहुत लीडिंग रोल है। तो अब एनआईए इस मामले को जांच करेगा आगे? इनिशियल तो हम ही लोग करें, अगर देखते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो एनआईए टीम को हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जानकारी के साथ इस वक्त जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एनआईए को इस मामले की जांच अब सौंप दी गई है, और जब आईजी पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि कैसे इस हमले को नाकाम किया गया। किस तरह की हलचल इस वक्त दिल्ली में है कश्मीर में हुई इस वारदात को देखते हुए? बिल्कुल मीनाक्षी, जो जानकारी अभी पूरे मामले को लेकर के आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोकल आतंकी हैं उनकी मदद से जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी है वलीद, वो मास्टरमाइंड है इस पूरे जो कार में बम रखने का जो पूरा मामला था उसमें वलीद का नाम आ रहा है। और ये मास्टरमाइंड इतना पुराना आतंकी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आईईडी बनाने का एक्सपर्ट है, और इसने एक्सपर्टाइज पाकिस्तान में सीखा है, पाकिस्तान का आतंकी है, और ये घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। सुरक्षा बलों की अगर माने तो इसके खिलाफ भी अभियान जल्द ही चलाया जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश इस मास्टरमाइंड वलीद ने रची थी, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 40 से 45 किलो विस्फोटक ये लोग लेकर के वहां पर पहुंच गए थे, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलवामा पार्ट वन की तरीके से ही ये लोग हमला करने की फिराक में थे। ऐसे में इस आतंकी की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने कर ली है और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। अब जितेंद्र, ये बताइए, वलीद के बारे में ये पता चल रहा है कि ये वही आतंकवादी है जो कुलगाम एनकाउंटर से भी फरार हुआ था, और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलवामा में इस हमले को सुरक्षा बल नाकाम करते हैं, ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं, आईईडी बनाने में ये एक्सपर्ट है। बिल्कुल मीनाक्षी, जो वलीद है ये इसका पूरा नाम है वलीद भाई, और ये आईईडी बनाने में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान
का आतंकी है, पाक आतंकी है, और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इसकी लोकल कुछ आतंकवादियों ने इसकी मदद की है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का जो लोकल ओवर ग्राउंड वर्कर है, साथ ही जो कुछ दिनों पहले, दो तीन दिन पहले, एक आदिल नाम के आतंकी का नाम सामने आ रहा है जो कि इसमें शामिल था, और उसको फिदाइन बनाने की कोशिश इस वलीद नाम के आतंकी के जरिए की जा रही थी, और फिदाइन बना करके वैसे ही जैसे कि पुलवामा पार्ट वन हुआ था उसी तरीके से हमला कराने की सुरक्षा बलों के ऊपर फिराक। बिल्कुल, जिस तरह से बीते समय में सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद किया है आतंकवादियों को, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है कई आतंकियों को ठिकाने लगाया गया है, उसके बाद आतंकवादियों की ये तिलमिलाहट कि एक बार फिर सुरक्षा बलों को टारगेट करने की कोशिश में थे, लेकिन सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने इस बड़े हमले को नाकाम कर दिया। बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार के सामने मजदूरों से जुड़ा मुद्दा उठाया है। वीडियो संदेश जारी कर सोनिया गांधी ने मजदूरों की मदद के सुझाव दिए, तो कांग्रेस के मोर्चे पर तैनात होने के संकेत भी। सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाएं और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, पर शायद सरकार को इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दे। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी जरूरतमंदों को लेकर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आवाज उठाएं। 10,000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपए डाले जाए, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 7,500 रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। इसके साथ साथ जो घर पहुंचे हैं, जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए मनरेगा के जो कार्य दिन हैं वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ाए जाएं। जो छोटे व्यापारी हैं जो लॉकडाउन के असर से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 महीनों से कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करे, एक वित्तीय पैकेज दे जिससे कर्ज ना हो उन पर, जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए ताकि वह इन मुश्किल समय में अपना गुजारा कर पाए। ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब
आप इस जनता का साथ दें, इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जो सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। जमातियों पर चार्जशीट का आज तीसरा दौर है। 35 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं। आज लगातार तीसरे दिन साकेत कोर्ट में 12 चार्जशीट दायर होंगी। जमातियों पर कई तरह के कानून तोड़ने के संगीन इल्जाम है और आज कुल मिलाकर 47 चार्जशीट होंगी दाखिल। आज तीन देशों के 536 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो रही है। बीते दो दिन में 374 जमातियों पर चार्जशीट दायर हो चुकी है। विदेशी जमातियों पर आपदा और महामारी के कानून तोड़ने के साथ क्वारंटीन नियम नहीं मानने के भी संगीन इल्जाम है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट से पहले सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ की थी और सबने ये बात कही कि 21 मार्च के बाद मौलाना साद ने ही उनको मरकज में रुकने के लिए कहा था। मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 12 नए चार्जशीट दाखिल करेगी। ये नए चार्जशीट 536 विदेशियों के खिलाफ जो कि मरकज में यहाँ पे आए हुए थे, जो तीन देशों के हैं, उनके खिलाफ दाखिल की जाएगी। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने दो दिनों में 35 चार्जशीट दाखिल की है। अब जो नए चार्जशीट जो आज दाखिल हो जाएंगे, इनको मिला के कुल 47 चार्जशीट दिल्ली पुलिस पिछले तीन दिनों में दाखिल करेगी। जो टोटल जो नंबर है विदेशों की, उनकी संख्या 910 हो जाएगी और सारे जो 35 अलग अलग देशों के ये नागरिक हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जो सबसे गंभीर आरोप है ये है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करना, धारा 144 का उल्लंघन करना और जो कोरोना को लेकर के एपिडेमिक एक्ट बनाया गया था उसके नियमों को भी नहीं मानना। तो ये सारे जो आरोप है वो इन विदेशियों के खिलाफ लगाए गए हैं और 35 चार्जशीट पिछले दो दिनों में दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। 12 नए चार्जशीट आज दाखिल हो जाएंगे तो कुल चार्जशीटों की संख्या 47 हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर, जिनमें जो फाइनेंशियल जो लेन देन थी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है कि जो लोग यहां पर आते थे वो किस तरीके से पेमेंट देते थे, किस तरीके से लेन देन होता था। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम जी का जंजाल बन गया है। हर दिन यहां पर जाम की स्थिति रहती है और लोगों को मुसीबत हो रही है। आज एक बार फिर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम लग गया और लोगों को घंटों मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम लोग दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन है और जो गाड़ियां दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री ले रही हैं उन सबको बॉर्डर पर रोका जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे सब इंस्पेक्टर जो कि एक एक गाड़ियों को बैरिकेड से पहले ही रोकते हुए आपको नजर आएंगे। उनके पास चेक करते हुए आपको देखिए हर किसी को रोक रहे हैं। जिस गाड़ी पर पास नहीं लगा हुआ है उसके वो पास चेक कर रहे हैं। पास चेक करने के बाद ही वो आगे की तरफ इशारा कर दे रहे हैं कि जिसके पास पास नहीं है, देखिए लोग अपना पास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके पास पास नहीं, आप देखिए किस तरीके से जाँच की जा रही है, एक एक पास चेक किया जा रहा है। अगर कोई मास्क नहीं लगाया है, अगर गाड़ी में ज़्यादा लोग हैं तो फौरन उस गाड़ी को रोक करके उसका चालान भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है। जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उन सबका यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। सीधे तौर पे जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए और गाजियाबाद DM की तरफ से जो आदेश थे उसके हिसाब से पुलिस का कहना है कि वो बॉर्डर पर सभी नियमों का पालन करा रही है। मुंबई के धारावी में एक बार फिर लोगों की भीड़ जुटी और यहाँ अपने घर जाने के लिए लोग जिस तरह से भीड़ में दिखाई दिए, सवाल फिर वही कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही और ऐसे में खतरा इन सभी लोगों के लिए कितना बड़ा है। धारावी में जिस गति से केसेस बढ़े उसने पूरे मुंबई को संकट में डाला और तस्वीरें जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं, हालांकि कुछ लोग मास्क पहने आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी सामाजिक दूरी। रूस के कोस्ट्रोमा शहर में एक हेयर ड्रेसर ने 48 घंटे तक लगातार हेयर कटिंग कर अनोखे कारनामे को अंजाम दिया। व्लादिस्लाव डेमिडोविच ने सोमवार दोपहर 12 बजे से हेयर कटिंग की शुरुआत की थी। 48 घंटे में 90 लोगों के बाल इन्होंने काटे। जब बाल काटने का ये मैराथन मिशन खत्म हुआ तो लोगों ने उनका खूब स्वागत किया, तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया गया।
लादिस्लाव अपनी इस उपलब्धि को गिनीज बुक में शामिल करवाने की सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।